हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना तेल के ही मूंग की दाल और पालक बनाएंगे। क्योंकि हमने इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यह एक हेल्दी ऑप्शन है। लंच और डिनर के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल पालक बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पालक ली है। पालक को अच्छे से साफ कर लिया है और धो लिया है। हम मूंग की दाल और पालक बनाएंगे। उसके लिए हमने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, छिलके वाली। इसको भी अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे। दाल को हम एक बर्तन में डालेंगे, दो तीन पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। अब हम दाल को कुकर में चढ़ाएंगे। दाल को हम कुकर में डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उस कटोरी से ही हम पानी डालेंगे। चार कटोरी हमने पानी डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, हींग से इसमें अच्छा स्वाद आएगा। हम कुकर को बंद करके इसमें 3 सीटी लगा देते हैं। दाल पालक में डालने के लिए हमने 2 हरी मिर्ची, 6-7 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम अच्छे से खलबट्टे में कूट लेंगे। जब तक सीटी लग रही है कुकर में, पालक को भी हम काट के रख लेंगे। पालक को भी हमने बारीक काट लिया है। अदरक, लहसुन और मिर्ची को हमने अच्छे से कूट लिया है। दाल में हमने 3 सीटी ले ली है। दाल में हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दाल अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें जो कटी हुई पालक है, 2 चम्मच हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे आलन के लिए। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। हमारी मम्मी बनाती थी तो वो आलन ही बोलती थी। आप इसमें चाहें तो गेहूं के आटे का भी आलन दे सकते हैं, बेसन का भी आलन दे सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें डालने में गुठलियां ना पड़े। लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था, मिर्ची लहसुन अदरक, इसको भी डाल देंगे। कुकर को हम गैस पर, धीमी गैस पर चढ़ा देंगे। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, गैस धीमी कर दी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी पालक है, पालक अभी पानी छोड़ेगी तो ये दाल अपने आप पतली हो जाएगी। कुकर को हम ढक देंगे। दाल पालक को हमने चला लेंगे। दाल हमें थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेंगे। पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। दाल में हमने 2 ही हरी मिर्ची को कूट कर लिया था। हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची और डाल देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। 2-3 मिनट के लिए इसको हम ढक कर के पका लेंगे। दाल को पके हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। दाल अच्छे से पक गई है, मिक्स हो गई है। दाल बन करके तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। दाल पालक को हमने बिना तेल के बनाया है। आप अगर इसमें तड़का लगाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च, लहसुन अदरक, खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगा सकते हैं। हेल्दी दाल पालक बनाकर ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।